फैज साहब जब हिंदुस्तान तशरीफ लाए थे, मुझे लगता है 15-20 साल हो गए होंगे, तो उन्होंने हमारे घर पे आने की ज़हमत फरमाई। मैं बड़ा मशकूर हूँ उनका, और उनकी ज़ुबान से ही उनके दो गज़लें जो मुझे बहुत पसंद हैं वो मुझे सुनने का मौका मिला। वो कौन सी गज़लें हैं? दिल में अब यूँ तेरे भूले हुए गम आते हैं, जैसे बिछड़े हुए काबे में सनम आते हैं। कुछ हम ही को नहीं एहसान उठाने का दिमाग, वो तो जब आते हैं मायल बकरम आते हैं, और एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन। ये मुझे शेर बहुत पसंद है। एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, मेरी मंजिल की तरफ तेरे कदम आते हैं। और रक्से मैं तेज करो, साज की लय तेज करो, सुए में खाना सफीराने हरम आते हैं। ये बहुत कुछ चंद उनके अल्फाज। और दूसरी जो गज़ल बहुत मुझे उनकी पसंद थी, तुम आए हो न शबे इंतज़ार गुजरी है, तलाश में है सहर बार बार गुजरी है, जनों में जितनी भी गुजरी बकार गुजरी है, अगरचे दिल पे खराबी हज़ार गुजरी है। वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। फैज साहब ने मुझे कहा कि जब वो ये लिख रहे थे, वो लाहौर के जेल में उनको सजाए मौत मिली हुई थी, और अपने खून से छोटे छोटे कागज़ों पे लिख के ये शेर लिखते थे, और अंग्रेज़ ढूंढ रहे थे कि उसमें कोई ना कोई ऐसी चीज़ मिले जिसे इनको पकड़ा जाए, फांसी चढ़ाया जाए। तो वो बात सारे फसाने में जिसका जिक्र न था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। और फिज़ा के हाथ गुलों पर न जाने क्या गुजरी, फिज़ा के हाथ गुलों पर न जाने क्या गुजरी, चमन से आज सबा बेकरार गुजरी है। न गुल खिले हैं न उनसे पिए न मैं पी है, अजीब रंग में अब के बहार गुजरी है। ये जो गज़लें हैं, मैंने फैज साहब के अपने मुंह से सुनने का मुझे एक फ़ख्र हासिल हुआ। बड़ी खुशी की मुझे यादगार रहती है।